तो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में आप अपना इनकम टैक्स कैसे सेव कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, ये चीज हम देखने वाले हैं। कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए हम समझेंगे कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक है, और कौन सा टैक्स रेजिम बेटर रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कई सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। बजट 2024 में न्यू टैक्स रेजिम में कुछ चेंजेस किए गए हैं इसको प्रोमोट करने के लिए, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो लिमिट है वो 75,000 रुपीज कर दिया गया है जहां तक सैलरीड एम्प्लॉइज का सवाल है। इसके अलावा कुछ स्लैब रेट्स में भी रिवीजन किए गए हैं। तो दोस्तों ये तो बात रही जहां तक न्यू टैक्स रेजिम का प्रोमोशन का सवाल है, लेकिन अभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सही तरीके से क्लेम कर सकते हो एज डिडक्शन तो ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए बेटर रह सकता है। तो यही चीज हम देखेंगे कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में आप ये सारे डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा उठा सकते हो अपना इनकम टैक्स सेव करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 आपको मिलेगा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, लेकिन ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलने वाला है। 75,000 रुपीज का लिमिट होने वाला है अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के साथ अपना इनकम टैक्स पे करते हो। इसके अलावा जो सेक्शन 80C है जिसमें कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस के अगर आप प्रीमियम्स पे कर रहे हो, 5 ईयर्स टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स भी आता है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अगर आप निवेश करते हो तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस तक आप क्लेम कर सकते हो। अब ये सारे ऑप्शंस कौन से हैं जो कि सेक्शन 80C को बिलोंग करते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 80D यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम्स अगर आप पे करते हो तो सेल्फ के लिए या फिर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पे करके 50,000 रुपीज का हम अमाउंट लेने वाले हैं हमारे कैलकुलेशन में। तो ये भी चीज आपको मदद करेगी आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है। इसके अलावा सेक्शन 80CCD1B, इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS आता है जिसमें आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन की मदद से 50,000 रुपीज तक क्लेम कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। अब इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है NPS में तो आप न्यू टैक्स रेजिम में भी 80CCD2 के हिसाब से उस कंट्रीब्यूशन को क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 मिलेगा प्लस जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसको आप क्लेम कर सकते हो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। बाकी के जो भी ऑप्शन है वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में ही एप्लीकेबल होंगे आपका इनकम टैक्स सेव करने के लिए। तो इसके अलावा हमारे पास HRA है यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि अगर आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो तो उसके लिए हम जो अमाउंट है उसको 1 लाख का कंसिडर करने वाले हैं। हो सकता है कि आपका रेंट कम हो और 50,000 रुपीज का आपका HRA एक्सेम्पशन होता है, या फिर आपका 2 लाख रुपीज का भी HRA एक्सेम्पशन हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हो, आपका रेंट कितना है और आपको कितना बेसिक सैलरी मिलता है। तो HRA एक्सेम्पशन कैलकुलेशन कैसे होता है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो कि आप चेक कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप जान सकते हो कि ये लिमिट आपके लिए कितनी होने वाली है। इसके अलावा अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो जो होम लोन का EMI कंपोनेंट है उसमें का जो इंटरेस्ट पार्ट है वो आप क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज आप क्लेम कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों वो चीज भी आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो ये सारे नंबर जब हम ऐड करेंगे तो 6 लाख रुपीज का आपका टोटल डिडक्शन अमाउंट होता है। इसमें से दोस्तों ज्यादातर लोगों के पास ये HRA या फिर सेक्शन 24 इसमें से कोई एक चीज ही क्लेम कर सकते हैं। तो या तो वो रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं HRA को क्लेम करने के लिए, या फिर वो खुद के घर में रहते हैं जहाँ पे उनका होम लोन चल रहा है। तो सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ पे 2 लाख रुपीज का डिडक्शन कंसिडर करेंगे। आप अपने हिसाब से देखिए कि कौन सा डिडक्शन ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे हम 5 लाख रुपीज का मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट को कंसिडर करने वाले हैं हमारे कैलकुलेशन में। तो चलिए देखते हैं कि हमारा इनकम टैक्स कितना होगा ओल्ड
टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, तो दोस्तों आप क्विकली मेरा जो फिनकेएलसी ब्लॉग पे कैलकुलेटर है उसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेएलसी ब्लॉग। फिनकेएलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा फिनकेएलसी-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से जान सकते हो कि आपको कौन सा टैक्स रेजिम बेटर रहेगा कम इनकम टैक्स पे करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 हम सेलेक्ट करेंगे और एज 0 से लेके 60 ईयर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो पेंशनर, या फिर अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर के लिए मिलने वाला है। अब इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है तो कितना इनकम टैक्स होगा। तो यहाँ पे हम 3 लाख रुपीज का अमाउंट मेंशन करेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स 0 होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 और ₹75,000 अप्लाई हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। और दोस्तों आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो है वो मदद करेगा कि आपका इनकम टैक्स 0 हो जाए जो आपकी सालाना इनकम 5 लाख या फिर उससे कम है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, और 7 लाख या फिर उससे कम है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A कैसे काम करता है के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं 0 का इन्वेस्टमेंट्स मेंशन करता हूँ। इसके अलावा 4 लाख पे कितना इनकम टैक्स होता है हम वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही हमने 4 लाख को मेंशन किया, वापस से आपका 0 का इनकम टैक्स होता है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। अब दोस्तों इसी तरीके से ये जो बाकी के इनकम्स हैं उनके लिए भी ये जो इनकम टैक्स है उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स को मेंशन करेंगे कि कितना हमें इन्वेस्टमेंट्स करना होगा इन सारे लिमिट्स को कंसिडर करके, ताकि ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से हम हमारा जो इनकम टैक्स है उसको सेव कर सकें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बाकी के जो इनकम्स है उनके लिए भी ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है। यहाँ पे हमने 20 लाख रुपीज तक की इनकम तक एक्सटेंड किया है हमारा इनकम टैक्स, और जैसे कि आप देख सकते हो इतना इन्वेस्टमेंट्स हम कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स सेव करने के लिए। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, ये सारे जो इनकम टैक्स है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से वो कम है कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम, जो कि हमें ये चीज कहती है कि अगर आप इतना अमाउंट एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, तो ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख या फिर उससे कम है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, तो कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है न्यू टैक्स रेजिम में। तो आप न्यू टैक्स रेजिम के साथ तब जा सकते हो जब आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 7 लाख या फिर उससे कम है, लेकिन अगर उससे ज्यादा की इनकम है तो आप डिफरेंट डिडक्शन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स सेव करने के लिए। 10 लाख की इनकम पे भी आप 4.5 लाख का डिडक्शंस तो यहाँ पे हो गया डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करके। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 को भी हमने कंसिडर किया है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 5 लाख रुपीज का। इसका मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम भी हो जाती है 5 लाख रुपीज, जिसमें आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। अब उसके बाद अगर आप और कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते तो 11 लाख से आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स पे करना जो है वो शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन ये वाला जो इनकम टैक्स है ओल्ड रेजिम के हिसाब से ये कम है कंपेयर टू जब आप इनकम टैक्स पे करोगे न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो 15 लाख पे भी आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कम है इनकम टैक्स, ऑलमोस्ट 13,000 रुपए का इनकम टैक्स कम है कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम। और 20 लाख के इनकम पे भी 2,73,000 है ओल्ड रेजिम के हिसाब से, और यहाँ पे न्यू रेजिम में 2,78,200 रुपीज है, तो ऑलमोस्ट 5,200 रुपीज का डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओल्ड रेजिम में आपको इतना इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा डिफरेंट डिडक्शन ऑप्शंस को क्लेम करने के लिए, ताकि आप कम इनकम टैक्स पे कर सको। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको मेंशन कर सकते हो यहाँ पे डिडक्शन सेक्शंस में इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर में, जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे
बनाई हुई है आपके लिए, और इसी की मदद से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में। आप कौन से टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करने वाले हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसके अलावा बाकी के कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हो इस कैलकुलेटर्स के पेज पे आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जैसे कि SIP कैलकुलेटर या फिर PPF कैलकुलेटर। इसके अलावा कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, और अगर आप सही तरीके से जो डिडक्शन है उनको क्लेम करते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, तो ये टैक्स रेजिम बेटर रहेगा आपके लिए। और अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा नहीं उठाना चाहते तो न्यू टैक्स रेजिम जो है वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको इसमें कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल डिवाइस पे भी इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपके लिए फ्री एंड्रॉइड ऐप बनाया है जो कि प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें आप अपना इनकम टैक्स और कई सारे सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinGalaxyTV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।